यार गाइस मेरे पास कुछ इस तरह की फेविकोल है और गाइस इस फेविकोल को आप लोग भी जानते होंगे। और गाइस ये जो फेविकोल है कॉपी वगैरह या फिर पेपर वगैरह चिपकाने की काम में आती है। और गाइस इस फेविकोल को हम लोग को मार्केट से खरीदना पड़ता है। लेकिन गाइस आज की स्टूडियो के अंदर में मैं आज आप लोग को फेविकोल बना के दिखाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आप लोग घर में भी फेविकोल बना सकते हैं। और गाइस आज की स्टूडियो के अंदर में मैं आप लोग को पूरा फेविकोल बना के भी दिखाने वाला हूँ और गाइस लास्ट में मैं आप लोग को चिपका के भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं कि किस तरह से बनती है फेविकोल। खैर गाइस आपको एक कुकिंग तवे की ज़रूरत पड़ेगी और गाइस अगर आपके पास ये कुकिंग तवे नहीं है तो गाइस आप लोग कढ़ाई भी यूज में ले सकते हैं। और गाइस आपको ज़रूरत पड़ेगी सिंपली एक गेहूँ आटे की। ये देखो गाइस, गाइस आपको ज़रूरत पड़ेगी एक गेहूँ आटे की। और गाइस गेहूँ आटा को इसमें डाल देते हैं कुछ इस तरह से। और गाइस उसके बाद क्या करना है, इसमें डाल देना है वाटर। और गाइस मैं अभी इसमें डाल देता हूँ वाटर। और गाइस अब क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जी हाँ गाइस, मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देता हूँ। और गाइस ये जो गेहूं आटा है अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। और गाइस आपको बस इतना पतला रखना है, ये देखो गाइस। और गाइस अभी हमने जो गेहूं आटा मिक्स की है उसको अच्छी तरीके से आग में पका लेना है। और गाइस मैं अभी इसको रख देता हूँ आग में। और गाइस इसको अच्छी तरीके से अब पका लेना है। और गाइस इसको थोड़ा देर अब पकने देते हैं। और गाइस इसे तब तक पकाना है जब तक ये जो आटा है अच्छी तरीके से चिपचिपा ना हो जाए। और गाइस इसमें बार बार ये जो चम्मच है इसको चलाते रहना है कुछ इस तरीके से। और गाइस ये जो आटा है अब अच्छी तरीके से पक चुकी है। और गाइस इसको अब आग से बाहर निकाल देते हैं। और गाइस मैं इसको आग से बाहर निकाल देता हूँ। और गाइस अभी जो आटा है इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा देर। और गाइस कुछ टाइम में ये जो हमारा फेविकोल है ये हो जाएगी रेडी। और गाइस अभी मैं इन दो पेपर को चिपकाने जा रहा हूँ इस होममेड फेविकोल से। और गाइस मैं अभी इसको चिपका देता हूँ। और गाइस अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो फेविकोल है काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा है गाइस। और गाइस मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। और गाइस अभी मैंने इस पेपर के ऊपर लगा दिए फेविकोल। और गाइस अब बारी है दूसरे पेपर को इस पेपर के ऊपर चिपकाने की। और गाइस मैं अभी कुछ इस तरीके से दूसरे पेपर को पहले वाला पेपर के ऊपर चिपका देता हूँ। और गाइस अभी मैंने दो पेपर को चिपका दिए। और गाइस इसको थोड़ा देर सूखने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जो फेविकोल है काम कर रही है कि नहीं। और गाइस अभी मैंने अच्छी तरीके से चिपका दी है, ये देखो गाइस अभी तो ये अच्छी तरीके से चिपक गई है, ये देखो गाइस। और गाइस अभी हमने जिस पेपर को चिपकाई थी वो जो पेपर है गाइस अभी फट चुकी है। और गाइस हम लोग इसको हेरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गाइस हेरते हेरते ये जो पेपर है फट चुकी है, ये देखो गाइस। और गाइस जो फेविक्विक है फेविकोल है काफ़ी ज़बरदस्त इस पेपर को पकड़ चुकी है, ये देखो गाइस। ये जो पेपर है निकलने की नाम नहीं ले रही है गाइस, ये देखो। अगर इसको निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और गाइस जो पेपर है वो भी फट जा रही है गाइस। ये जो फेविकोल है काफ़ी कमाल की है। और गाइस ये जो फेविकोल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम भी करती है। और गाइस ये जो वीडियो है अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। और गाइस सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।